नमस्कार, आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में दो बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को है और उत्पन्ना एकादशी का पारण 21 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु और अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसा वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु और चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो विष्णु भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी वहां पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो इसी के साथ उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, उत्पन्ना एकादशी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।